is the life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by, it doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. सारे भगवान जी मैंने ना यहाँ पे बिठा दिए हैं इस टेबल पे, और यहाँ रख दिया है अपना सामान जो मुझे आज मंसना है, और करूंगी मंदिर की क्लीनिंग। पूजा करते हैं डेली तो थोड़ी बहुत गंदगी आ जाती है। लाइट्स वगैरह भी मंदिर की कोई भी नहीं जल रही है, पूरा बिल्कुल बंद है। आज मकर संक्रांति है और मुझे जो है मंदिर में आज थोड़ी लंबी पूजा करनी है, और उससे पहले सारे भगवान जी को स्नान कराना, मंदिर को साफ करना, ये बहुत ज़रूरी था। और जब से मंदिर आया था तब से डीप क्लीनिंग नहीं हुई थी, तो चाहे कितना ही आप क्लीन करो लेकिन मंदिर में जो है ना, क्योंकि दीपक जलता है, धूप जलती है, तो उसकी वजह से काफ़ी गंदगी हो जाती है। तो आज वही मैंने किया, सारे क्लीनिंग अच्छी तरीके से करी है। जो मेरे पास विग्रह हैं उन्हें स्नान कराने के लिए दो बर्तन लिए हैं। बड़ी वाली परात में मैं एक एक करके सबको स्नान कराऊंगी और उनका पानी इस बड़े भगोने में रखती जाऊंगी। तो ये केवल जो त्योहार वाले दिन होते हैं उसी दिन मैं स्नान कराती हूँ। वैसे तो डेली लड्डू गोपाल और राधा रानी का स्नान होता है, या फिर जिस दिन जिस भगवान का दिन होता है उनको स्नान कराती हूँ। तो इस तरह से मकर संक्रांति वाले दिन जल में गंगा जल मिला के मैंने अपनी जो सुबह का पहला काम होता है ना पूजा का, वो कर लिया। मेरे ये बड़े वाले कृष्ण जी 3 फिट की ऊंचाई के हैं, इनकी हाइट 3 फिट है, और इनके लिए अलग से मैं वस्त्र लेकर आती हूँ। तो इनका पूरा श्रृंगार किया, तो उसको मैं अभी इस वीडियो में नहीं डालूंगी, क्योंकि आज का जो ये वाला वीडियो है ये थोड़ा सा अलग है, ये मेरा इसका टॉपिक अलग है। लेकिन आप लोग हमेशा पूछते हो कि मैंने संक्रांति वाले दिन क्या किया, तो इसलिए मैंने ये पार्ट थोड़ा सा ऐड कर दिया है। और अब शाम को मैं जो ये दान का काम है ना ये करूंगी, और उसके बाद होगा भोग की तैयारी। वैसे तो मकर संक्रांति वाले दिन खिचड़ी और तिल गुड़ के लड्डू बनते हैं, लेकिन लड्डू मैंने बना लिए थे, वो अभी रखे हुए थे, तो मैंने बनाई कचौड़ी सब्जी और उससे सबसे पहले ठाकुर जी का भोग लगाया। त्योहारों पर बहुत ढेर सारा भोग बनता है, और वैसे भी घर में कुछ ना कुछ ऐसे काम होते रहते हैं कि किचन घिरी ही रहती है और गंदी बहुत ही जल्दी हो जाती है। तो आज मैं आपको बता रही हूँ मेरी ऐसी कौन सी टिप है जिनसे मैं किचन को क्लीन रखती हूँ। सबसे पहली और सबसे जरूरी, जो कि आप मेरे बहुत सारे वीडियोस में देखते आए हो, और वो है डीप क्लीनिंग। महीने में एक बार किचन का सारा सामान निकालकर मैं सफाई जरूर करती हूँ, जिससे जो कॉकरोच होते हैं, कीड़े होते हैं, चींटियां होती हैं, वो बिल्कुल भी नहीं पनप पाती हैं। तो हमेशा अगर आप अपनी किचन को बाहर से सुंदर दिखाना चाहते हैं तो अंदरूनी तौर पर डीप क्लीन जरूर करिए, और चाहे जाड़े हों चाहे गर्मी हो, तो वो तो होनी ही है। और आज मैंने यही किया, सारा सामान बाहर निकाल के शुरू कर दी डीप क्लीनिंग। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी सफाई का तो इंतजार कर ही नहीं सकते, जैसे घर के जो बर्तन होते हैं इनमें बहुत ही जल्दी गंदगी हो जाती है, और बिल्कुल इसी तरीके से जो ऑयल कैन होती हैं। तो बर्तनों को गर्म पानी में डिटर्जेंट डाल के सोक कर देती हूँ, और जो ऑयल कैन होती हैं उसमें बेकिंग सोडा और विनेगर डाल के मैं रख देती हूँ कुछ देर के लिए। और बिल्कुल इसी तरीके से मैं अपनी जो चिमनी है, गैस हॉब है, या कुकटॉप जो भी होता है उसको क्लीन करती हूँ, और साथ के साथ सिंक को साफ करना बिल्कुल नहीं भूलती हूँ। इससे हमेशा ये चीजें साफ रहती हैं, और ये वो चीजें होती हैं जिनको साफ करने के लिए हमें किसी रूटीन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमेशा बर्तन मेरे चमचमाते रहते हैं, उसका रीजन ही यही है कि जैसे ही मुझे वो थोड़े से भी गंदे दिखते हैं मैं उनको साफ कर देती हूँ, इससे मुझे बहुत ज्यादा उनको साफ करने में मेहनत नहीं करनी पड़ती। हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र होते हैं, हम सबके पास, आपको मैंने भी बताए हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज़र्स का यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं बार बार चीज़ें बदलती रहती हूँ। तो कोशिश करती हूँ कि स्पेस का मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करूँ, क्योंकि मेरी किचन काफ़ी छोटी है। जैसे देखिए ये वाली जो शेल्फ है इसमें मैंने अपने सारे अचार की बॉटल्स रख दी, इससे मेरी जो छोटी सी किचन है वो काफ़ी फंक्शनल भी हो जाती है, और सबको सामान मिल भी जाता है।
एक जैसे आइटम्स को एक साथ रखना ये ऑर्गेनाइजेशन की पहली टिप होती है, और अगर ये होगी ना तो किचन आपकी साफ भी रहेगी, क्योंकि आपको एक ही बार में एक जगह सारी चीजें मिल जाएंगी। टिफिन्स घर में जरूर रहते हैं तो सबको एक जगह देखिए इस तरह से मैंने रख दिया। किचन टूल्स हों, मसाले हों, दालें हों, जो भी सामान होता है एक जैसा एक जगह रहता है और इससे ये काफी हैंडी रहता है। बेकिंग का सामान इस मतलब जो कंप्लीट ये बड़ी बास्केट है ना इसके अंदर रहता है, और छोटा मोटा सामान मैं इसमें रख के एक जगह रखती हूँ क्योंकि इसी के ऊपर मेरा रखा रहता है ओटीजी। एक जब कभी भी किचन में काम करती हूँ तो जो ड्रॉर होती है या कैबिनेट होती है उसको साथ के साथ जरूर क्लीन करती हूँ, तो डेली कोई ना कोई एक या दो ड्रॉर्स को क्लीन करना ये मेरे रूटीन में ही है। और कभी कभी वो ज़्यादा गंदगी दिखती है तो मैं उसको फिर टाइम निकाल के किसी तरीके से रात में या किसी और पर्टिकुलर डे साफ करती हूँ। और जब कभी भी ड्रॉर्स को क्लीन करती हूँ तो उनकी लाइनिंग्स को क्लीन करना और लगाना नहीं भूलती हूँ। आप लोगों को बहुत सारे तरीके मैंने बता रखे हैं जिनसे आप ड्रॉर्स में लाइनिंग लगा सकते हैं, इससे कभी भी गंदगी नहीं जमा होती है, क्योंकि ड्रॉर्स में या कैबिनेट्स में गंदगी जमा जब होती रहती है तो इसके अंदर जो है कॉकरोच आ जाते हैं। जहाँ घी के तेल के डब्बे रहते हैं उसके नीचे लाइनिंग लगाना बिल्कुल ना भूलें। जब कभी भी काम करती हूँ आप लोगों ने देखा होगा हमेशा एक टॉवल या जो चॉपिंग बोर्ड होता है वो हमेशा रहता है बिछा हुआ। ये आदत ना मेरी किचन को क्लीन रखने में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। मेरे पास ना किचन की बहुत सारी टॉवल्स होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो काफ़ी गंदी हो जाती हैं। वैसे वो साफ़ रहती हैं, लेकिन जो टॉवल से मैं प्लेटफॉर्म साफ़ करती हूँ उनसे बर्तनों को साफ़ नहीं करती हूँ। तो सारी चीज़ों को अलग रखना, पुरानी टॉवल्स के ऊपर फैब्रिक लगा के इस तरह से टॉवल बनाना ये तो आप जानते ही हैं। हमेशा काउंटर टॉप को क्लीन रखना मेरे लिए ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यह है वाइट, तो रात के समय जरूर एक बार या दिन में सुबह जैसा टाइम मिलता है पूरे काउंटर टॉप को मैं क्लीन रखती हूँ जिससे ये चमचमाता हुआ दिखता है। मैं जब भी काम करती हूँ तो पैरेलल वर्किंग करती हूँ, खासकर किचन में। उसका रीज़न यह है कि एक ही बार में जितनी गंदगी होनी होती है वो हो जाती है और एक बार में पूरी किचन साफ हो जाती है। अगर हम धीरे धीरे करके पूरे दिन अपनी किचन को घेरे रहते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा हर समय गंदी और घिरी हुई सी दिखाई देती है या फैली हुई दिखाई देती है। इसलिए मैं एक बार में ही लंच और ब्रेकफास्ट का काम करती हूँ और फिर सीधे मैं काम करती हूँ रात में, और जब भी काम करती हूँ साफ करना नहीं भूलती। छोटे छोटे स्पेसेस को यूटिलाइज करती हूँ ताकि जो मेरी छोटी सी किचन है ना उसमें चीजें छुपी हुई भी रहें और रखी हुई भी रहें। और इसी तरह से ना एक चीज हमेशा कहती हूँ, चाहे रूम हो चाहे किचन हो, एक जगह जरूर खाली छोड़िए ताकि जो भी एक्स्ट्रा सामान हो वो आप यहाँ पे रख सकें और आपकी किचन ना फैली हुई ना दिखाई दे। बिल्कुल ऐसा ही मैं रूम्स में भी करती हूँ और किचन में भी, जैसे फ्रूट्स आए वेजिटेबल्स आए उन्हें मैं यहाँ पे रख देती हूँ। जो ग्रोसरी का सामान होता है वो कई जगह पे रखना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, एक तो किचन छोटी है उस वजह से, और दूसरा इसको संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नया राशन का सामान आने से पहले पुरानी सारी अलमीराज को देखना कौन सा सामान है कौन सा नहीं है ये एक ज़रूरी सी चीज़ है। इससे एक तो मेरी ये ड्रॉर्स और कैबिनेट्स थोड़ी सी संभल जाती हैं और कोई भी सामान दोबारा नहीं आता, जिससे कि मेरी जो पेंट्री है ना वो घिरी हुई नहीं रहती है। वैसे मेरे पास कोई पेंट्री की अलमीरा नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरह से करने से ना मेरे पास केवल यूज का ही सामान रहता है। बहुत सारे बर्तन मेरे पास हैं, लेकिन जो बर्तन यूज वाले नहीं होते हैं उनको हमेशा मैं कवर करके रखती हूँ, खासकर नए जो होते हैं। पहले तो मैं पिलो कवर में भी रख दिया करती थी, लेकिन अब जो इसके साथ जो प्लास्टिक के बैग्स आते हैं उन्हीं में कवर करके मैं रखती हूँ जिससे ये हमेशा चमचमाते रहते हैं। और जो बर्तन यूज़ नहीं होते हैं उनके लिए रखती हूँ अलग स्पेस, ताकि वो जो है मिक्स ना हो। और वैसे भी मैं थोड़ा सा जो अगर अनियन का खाना बनाती हूँ तो उसके लिए बर्तन अलग यूज़ करती हूँ। तो ये सारे नए बर्तन होते हैं जिनको मैं अलग रखती हूँ, जैसे ये कास्ट आयरन की नई कढ़ाई मेरी अलग रहेगी और इसके अलावा कुछ और बर्तन अलग रहते हैं। और जो डेली यूज़ वाली कढ़ाइयाँ होती हैं या बर्तन होते हैं वो मैं अलग रखती हूँ, इससे हमेशा मेरे बर्तन नए लगते हैं। और किचन में जब कभी भी अगर आपको अपना काउंटर टॉप चमचमाता हुआ देखना है तो इन हॉट पैड्स का ज़रूर यूज़ करिए। ये ना मेरी कुछ आदतें हैं जो आपको मैं बता रही हूँ।
और अपने हाथों को संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है। बर्तन में जब धोती हूँ तो हमेशा ग्लव्स का यूज़ अब करने लगी हूँ मैं, क्योंकि अगर एक बार हाथ खराब हो जाते हैं तो चाहे आप कितना मॉइस्चराइज़र लगाओ, कितना ही ऑयल लगाओ, वो सही नहीं होते हैं। इसलिए किचन में इस तरीके के ग्लव्स रखती हूँ और एक दो मैं पैकेट इसके एक्स्ट्रा मंगा के ही रखती हूँ कि कभी भी ऐसा ना हो कि मेरे पास ना हो और मैं इन्हीं को जो है नंगे हाथों से ही काम करूँ। जो बिजली के स्विचेस होते हैं उनको बिल्कुल नहीं भूलती हूँ, हमेशा जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है उससे इन्हें क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर आप देखिए जो किचन के स्विचेस होते हैं या इलेक्ट्रिकल बोर्ड्स होते हैं ना, इलेक्ट्रिक बोर्ड्स होते हैं, ये हमेशा बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं और ये बहुत ही ख़राब लगते हैं, और इन्हें इस तरह से साफ करने में बस कुछ मिनट ही लगते हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से जो किचन का फ्लोर होता है उसको मैं रॉफ से साफ करती हूँ। ये एक रॉफ क्लीनर आता है जिसको पानी में मिक्स करके मैं धोती हूँ किचन को, तो जो कॉर्नर्स में चींटियाँ वगैरह होती हैं ना वो सब बिल्कुल भी नहीं आती हैं, कोई कॉकरोच नहीं होते हैं, और किचन का जो फर्श है या फ्लोर है वो बिल्कुल साफ चमचमाता रहता है। और हाँ, एक चीज़ और जिसे कहते हैं मेंटेनेंस, किचन को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना चुकी हूँ। एक आपको छोटी सी चीज़ बताती हूँ, ये जो मेरे पास ये साग काटने वाला है ना, ये कम से कम 100 साल पुराना होगा, मेरी दादी जी के पास भी ये काफ़ी पहले से था, लेकिन इसको मेंटेन करके रखती हूँ तो आज भी जब घर में साग कटता है तो इसी से कटता है। तो बिल्कुल उसी तरह से अगर हम अपनी किचन को मेंटेन करके रखेंगे, सामान को मेंटेन करके रखेंगे, तो जल्दी से हमें दूसरी चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जो हमारा पुराना सामान है ना वो भी बिल्कुल साफ और चमचमाता हुआ दिखाई देगा। और धीरे धीरे करके जितनी भी बेकार की अनहेल्दी चीज़ें हैं उन्हें हमें अपनी किचन से हटाना चाहिए, जैसे एल्यूमिनियम हुआ, प्लास्टिक हुई, ये सब धीरे धीरे करके ही हो पाता है। आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियोस में देखा है कि किस तरह से मैंने धीरे धीरे करके अपनी किचन में से जो एल्यूमिनियम था या प्लास्टिक थी उसे रिमूव किया। और वैसे भी अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं तो जो एल्यूमिनियम फॉयल आती है वो मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूं, और ये बीज वैक्स की जो मेरे पास है ना ये मैं खुद बनाती हूं, आपके साथ मैंने आपके साथ शेयर भी किया है ना पुराने वीडियो में, ये रैप्स होते हैं, तो मैं एल्यूमिनियम फॉयल की जगह इन्हीं रैप्स का यूज़ करती हूँ। इसके अलावा भी हमारी किचन में बहुत सारी अनहेल्दी चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे मसाले खराब होते हैं, हम उन्हें सुखाना भूल जाते हैं, दालें होती हैं या बहुत सारे घी और तेल होते हैं, इन सब के ऊपर मैंने एक वीडियो आपके लिए बना रखा है, ज़रूर शेयर करिएगा। धीरे धीरे करके अगर हम अपनी आदतों में बदलाव लाएंगे ना तो किचन में अपने आप बदलाव आ जाएगा। बहुत पहले से मैंने एक आदत अपने अंदर डाली थी कि जब कभी भी ग्रोसरी आती थी तो मैं कुछ सिलेक्टेड कंटेनर्स को वॉश कर लिया करती थी, तो हर महीने धीरे धीरे करके ना, मतलब कभी कोई से 5 धो लिए, कभी कोई 10 धो लिए, तो इस तरह से कंटेनर्स ना मेरे हमेशा क्लीन रहते थे। तो जब कभी भी ग्रोसरी आती है उससे पहले अगर आप अपने किचन के कंटेनर्स को, स्टोरेज जार्स को धोएंगे ना तो हमेशा जब कभी भी आप अलमीरा खोलेंगे ना चमचमाती हुई दिखाई देगी। अगर डीक्लटरिंग की सबसे ज़्यादा घर में ज़रूरत है तो वो होती है किचन में। जब कभी भी डीप क्लीनिंग होती है तो मेरी किचन से बहुत सारा सामान निकल जाता है। तो कई बार मैंने आप लोगों को अपने पुराने वीडियोस में बताया है कि जो बर्तन होते हैं ख़राब हो जाते हैं ना, उनको मैं एक डेकोर पीस की तरीके से यूज़ कर लेती हूं। जो स्टील होती है उस पे स्प्रे पेंट करके ना बहुत अच्छे डेकोर पीसेस बन जाते हैं, और ये पेंट इन पे काफ़ी लंबे टाइम तक टिकता है और ये देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। कैबिनेट को अंदर से आप चाहे कितना ही साफ कर लें, लेकिन अगर वो बाहर से साफ नहीं दिखेगी तो वैसे ही बहुत गंदी लगेगी। चिकनाई बहुत जल्दी जमती है इन दरवाजों पे और डोर्स पे या कैबिनेट्स के डोर्स पे, तो इन्हें नॉर्मली जो स्पंज आती है उसमें थोड़ा सा विम बार लगा के या लिक्विड लगा के आप इससे अच्छी तरीके से इसे पोंछ लीजिए, बिल्कुल साफ रहेंगे। बड़ा अच्छा तरीका है, इसी से मैं इनको क्लीन करती हूँ। बहुत सारे जो DIY क्लीनर्स हैं वो हम घर पे बना लेते हैं, लेकिन कभी कभी वो अगर नहीं रहते हैं तो किचन हमारी गंदी ही रह जाती है। तो अब तो मैं अपने DIY क्लीनर का एक स्टॉक बना के रखती ही हूँ, मैंने आपके साथ शेयर किया है, लेकिन फिर भी मेरे पास रहते हैं कुछ ऐसे क्लीनर कि अगर ना हो मेरे पास तो मैं इनसे अपनी किचन को क्लीन कर सकूँ। लेकिन हाँ, हमेशा ध्यान रखिए कि किचन की क्लीनिंग के लिए जो आप क्लीनर यूज़ करें वो हमेशा ऑर्गेनिक और नेचुरल हों, नहीं तो किचन एक ऐसी जगह है जिसमें अगर
अगर जरा सी भी हमसे मिस्टेक हो गई तो वो हेल्थ पे बहुत ही भारी पड़ती है। तो कोशिश करिए कि घर पे ही DIY क्लीनर्स बनाइए, और अगर वो नहीं हो तो कुछ अच्छे नेचुरल ऑर्गेनिक क्लीनर हमेशा अपनी किचन की क्लीनिंग बास्केट में रखिए। किचन के जो इलेक्ट्रिक आइटम्स होते हैं उनको साफ करने का कोई रूटीन तो नहीं होता, लेकिन जब भी गंदे दिखते हैं इनको सबको इकट्ठे क्लीन कर देती हूँ। इन्हें तो बिल्कुल भी हमें नहीं भूलना है, और इनको साफ करने के लिए मैं बेकिंग सोडा और विनेगर का ही यूज करती हूँ, और मैंने अपने कई वीडियोज में आपके साथ ये सारी चीजें शेयर भी करी है। तो ये ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मैं रेगुलर यूज करती हूँ। एक छोटे से वीडियो में सबको डिटेल में बताना तो पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर हम इन आदतों को धीरे धीरे डालते हैं अपने अंदर तो किचन हमेशा क्लीन बनी रहती है। तो ये थी वही छोटी छोटी सी चीजें जो मैं करती हूँ, और आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने ये सारी एक बहुत ही जर्नल चीजें बताई जिनको अपनी हैबिट में लाना ही बस जरूरी होता है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा जरूर बताना, और पसंद आए तो लाइक कॉमेंट शेयर करना मत भूलना। तो फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।